Hello guys, welcome to Engineering Hotspot. This is Harshvardhan here, and today we are uploading top 10 best questions asked in GATE 2020 Civil Engineering. And usme se these question solely based on students demand, usme se strength of material and fluid mechanics ke questions ke video solutions main upload karunga, and remaining part of civil engineering Neelam ma'am upload karegi. So guys, ye sirf top 10 best question आपके लिए पिक करे गए हैं, एंड स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करके जो स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी आई वो है. उसके अलावा जब आपके पास फ्रॉम आईआईटी दिल्ली आपके पास में जब रेस्पॉन्स शीट आ जाएगी, और बेसिकली ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, जब आपके पास पूरा तरीके से जब क्वेश्चन सेट होगा, तो उसके बाद शिफ्ट वन एंड शिफ्ट टू सिविल इंजीनियरिंग के प्रॉपर 65 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस अपलोड इस चैनल पे कर दिए जाएंगे. For that guys, you have to subscribe this channel and click the bell icon so that you will get notified when we will upload the solutions of Civil Engineering GATE 2020 Shift 1 and Shift 2. चलिए start करते हैं question number 1 से. आप screen पे देख सकते हैं question. Question आपने screen पे देख लिया है. ये questions question में जो diagram था वो दिया हुआ है, and ये given data दिया हुआ है, जिसके अंदर actual rigidity अपने को दी है 10 kN per mm and टोटल रिफ्लेक्शन अपने को दिया है 5 mm. टोटल रिफ्लेक्शन का मतलब सब समझते हैं कि टोटल रिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है, कि ये वेट लग रहा है इसके ऊपर से. अब ये टोटल डिफ्लेक्ट हुआ, मतलब ये मान लो कि टोटल डिफ्लेक्शन इस वेट का यहां से लेकर यहां तक ये कितना डिफ्लेक्ट हुआ है नीचे की तरफ, 5 mm. ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे अपन, 5 mm. अब गाइस, डिफ्लेक्शन 5 mm हुआ, इसके अंदर मैं इस पिलर को बोल देता हूं नंबर 1, इसको बोलते हैं अपन नंबर 2, एंड इसको बोलते हैं अपन नंबर 3. क्या ये आपको देख के समझ में आ रहा है कि 1 एंड 3 टोटल 5 mm नीचे डिफ्लेक्ट होंगे, राइट? अब पिलर नंबर 1 को अपन बोलते हैं तो ये डिफ्लेक्ट हो रहा है 5 mm, और ये भी 2 भी डिफ्लेक्ट हो रहा है कितना, 5 mm, राइट? यहां तक चीजें क्लियर होती है. बट जो पिलर नंबर 2 है वो कितना डिफेक्ट हुआ है, इस चीज को अपने को समझना है. वो डिफेक्ट हुआ गाइस ऑलरेडी 2 mm हवा में है, ऊपर की तरफ है, तो ये डिफेक्ट कितना होगा, ये 2 mm नीचे आने के बाद में, पहले बात तो 2 mm पहले नीचे आएगा, तब तक इसके ऊपर कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ है, कोई कंप्रेशन नहीं हुआ है, तो ये 2 mm पूरा नीचे आएगा. उसके बाद ये कितना डिफ्लेक्शन होगा गाइस, इसका सिर्फ डिफ्लेक्शन जो पिलर नंबर 2 का सिर्फ डिफ्लेक्शन कितना होगा, अगर ये नीचे जाता है तो इसका डिफ्लेक्शन सिर्फ होगा कितना, 3 mm. That is the main concept behind this question, जिसके अंदर pillar number 1 and 3 तो 5 mm deflect होंगे, and pillar number 2 is will deflect only 3 mm. चलिए इतनी बात हमको clear होती है. तो deflection 1 क्या मेरा deflection 2 के बराबर है, बिल्कुल सही है. दोनों कितना हुआ, deflection 3 के बराबर है, sorry 2 के नहीं, दोनों कितना हुआ, 5 mm. okay, यहां तक अपनी बात clear होती है. and deflection 2 कितना deflect हुआ है, 3 mm. सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर क्या निकालना अपने को, इस क्वेश्चन में अपने को क्या निकालना है, इस क्वेश्चन में अपने को निकालना है इस W वेट कितना लगाया जिससे हमको 5 mm डिफ्लेक्शन मिला. इस W को निकालने के लिए हमको सेपरेट इन तीनों कॉलम्स में कितना फोर्स लगा वो हमको निकालना है. तो गाइस देखिए, अगर ये W ऊपर लग रहा है, ठीक है, ये W ऊपर से लग रहा है, तो गाइस ये कॉलम 1 में P1 फोर्स आया, इसमें आएगा P2 फोर्स, एंड इसमें आएगा P3 फोर्स. क्या मैं ये कह सकता हूं P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल P1 प्लस P2 प्लस P3 इज इक्वल टू W. ये पहली इक्वेशन हो जाती है. दूसरी इक्वेशन से ये समझ जाता है डिफ्लेक्शन 1 क्या मेरा डिफ्लेक्शन 3 के बराबर है, बिल्कुल बराबर है. तो इससे एक चीज और क्लियर होती है, इसको हटाइए, इससे एक चीज और क्लियर होती है कि डिफ्लेक्शन 1 अगर P1 L1 अपॉन A1 E1 equals to P2 L2 upon A2 E2. यहां तक बात क्लियर है, P3 सॉरी, क्योंकि डिफ्लेक्शन 3 है, P3 L3 A3 एंड दिस इज E3. यहां तक चीजें क्लियर है. क्या L1 L3 के बराबर है, बिल्कुल, L1 इज इक्वल टू L3. तो यहां से एक चीज समझ में आती है, L1 से L3 कैंसिल हुआ. क्या A1, E1 और A3, E3 बराबर है, बिल्कुल, जब हमको ये पता है यहां से कि A1, E1 अपॉन L1 इज इक्वल टू, जब सब में 10 kN per mm एक्चुअल रिजिडिटी दी है, तो ये भी सब इक्वल होंगे.
जब ये सब इक्वल और L1 L3 के बराबर है तो A1 E1 equals to A3 E3 के बराबर भी है, तो ये भी कट जाता है। तो इससे ये समझ में आता है कि मेरा P1 किसके बराबर है, P3 के। तो मैं यहां से ये कह सकता हूं कि 2 टाइम्स ऑफ P1 प्लस P2 इज इक्वल टू W। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो हम यूज करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने के लिए अपन यहां से यहां पर जाएंगे, तो इससे अपने को ये समझ में आता है कि यहां तक बात क्लियर होती है। अब डिफ्लेक्शन 1 कितना हुआ, 5 mm, एंड डिफ्लेक्शन 2 कितना हुआ, 3 mm। तो डिफ्लेक्शन 2 भी इधर से कैलकुलेट करेंगे अपन, P2 L2 अपॉन A2 E2 कितना हुआ, 3 mm, क्योंकि डिफ्लेक्शन क्या होता है हमारा, PL अपॉन AE। अब AE अपॉन L2, A2 E2 अपॉन L2 कितना दिया है, ये सब बराबर ही तो है, A2 E2 अपॉन L2 सब कितना है, 10 किलोन्यूटन पर mm। तो यहां से यहां समझ में आता है, तो P2 अपॉन 10 किलो न्यूटन पर mm इज इक्वल टू 3 mm। तो यहां से मेरा P2 कितना है, 10 इंटू 3 इज इक्वल टू 30 किलो न्यूटन। कितना आया, 30 किलो न्यूटन, ये मेरा आया P2। अगर ये मेरा P2 आया तो हम क्या कर सकते हैं, P1 भी निकाल सकते हैं। सेम इसी मेथड से P1 निकालेंगे अपन यहां पर, देखिए P1 L1 अपॉन A1 E1 कितना है, कितना डिफ्लेक्ट हुआ हमारा कॉलम 1, 5 mm, ओके डन। A1 E1 अपॉन L1 कितना दिया है, 10 किलो न्यूटन पर mm, डालते इधर 10 किलो न्यूटन पर mm। तो यहां से मेरा P1 कितना आया, 50 किलो न्यूटन। आई होप यहां तक बात क्लियर है। ये P1 और ये P2 उठा के इस इक्वेशन में डालते हैं तो हमको क्या मिलता है, यहां से 2 टाइम्स, ये 2 है, 2 टाइम्स इनटू कितना आया वो 50, P1 इज 50 प्लस P2 कितना है 30 इज इक्वल टू W। तो W हमारे कितना आया, 100 प्लस 30 इज 130 किलो न्यूटन, विच इज माई आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Let's see the next question. Now let's come to the another strength of material question which have asked in set 1 and set 2 both. Okay, pure shade से आपको set 1 में भी question आया है, set 2 में भी question आया है, और दोनों के similar concept है guys. Already pure shade पे engineering hotspot पे video already uploaded है 10 to 11 months पहले, जो कि आप आई बटन ऊपर उस पर देख सकते हैं और नीचे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला हुआ है, प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन अपलोडेड है। सो गाइज, ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड है हमारे चैनल पे, जो आपको मे बी, ये तो गेट चला गया, मे बी गेट 2021 में आपको हेल्प कर सकते हैं। चलिए इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। देखिए गाइज, प्योर शेयर क्या चीज है, प्योर शेयर को ढंग से समझते हैं। प्योर शेयर क्या होता है, अगर कोई भी एलिमेंट है उसका टुकड़ा ले लिया, और वहां से प्योर शेयर का मतलब क्या था, प्योर शेयर का मतलब है ओनली शेयर, ओके, ओनली शेयर मतलब शेयर ही है, कोई नॉर्मल स्ट्रेस नहीं आता, ओनली शेयर स्ट्रेस आता। नॉर्मली हम क्या देखते हैं, यहां पर क्या लग रहा है, सिग्मा एक्स लग रहा है, ठीक है, सिग्मा एक्स, और यहां लग रहा है सिग्मा वाई, सिग्मा वाई, और यहां पर है टाओ एक्स वाई, टाउ एक्स वाई। अगर ये तो अपना कॉम्प्लेक्स स्टेट ऑफ स्ट्रेस हो जाता है, जिसके अंदर सिग्मा एक्स भी है, सिग्मा वाई भी है, टाउ एक्स वाई भी है। बट फॉर प्योर शेयर गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्योर शेयर में क्या होता है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई दोनों ही क्या होते हैं हमारे, जीरो। मतलब इसका मतलब ओनली शेयर, ओनली शेयर का मतलब देयर इज नो नॉर्मल स्ट्रेसेस। तो जब ये चीज हट जाती है तो यहां से हम क्या कहेंगे, क्या मेरा सिग्मा एक्स हटेगा, बिल्कुल, क्या सिग्मा वाई हटेगा, तो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई हमारे दोनों यहां से हटते हैं, तो प्योर शेयर के केस में हमको क्या मिलता है, यहां पर सिर्फ टाउ एक्स वाई, तो हमको सिर्फ टाउ एक्स वाई यहां पर मिलता है। चलिए हम एक फॉर्मूले से भी डिराइव करते हैं इस चीज को। देखिए हमने क्या पढ़ा है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हमने क्या पढ़ा है, सिग्मा 1 2, हम क्या पढ़ते हैं, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2 प्लस माइनस अंडर रूट
सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय टू प्लस टाउ एक्स वाई इन दोनों का होल स्क्वायर ही रहता है, मतलब सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। अब प्योर शेयर के केस में क्या हो जाता है गाइस, ध्यान से समझेंगे, प्योर शेयर के केस में क्या हो जाता है कि हमको ये कंडीशन अप्लाई करनी है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई दोनों जीरो है, तो यहां पर जब हम रखेंगे तो यहां पर क्या होगा, सिग्मा एक्स भी जीरो है सिग्मा वाई भी जीरो है, ठीक है। ये सब हमने अप्लाई करा तो हमको क्या मिला, सिग्मा वन टू, मतलब अगर वन है तो पॉजिटिव है, टू है तो नेगेटिव है, तो सिग्मा वन कितना मिला पॉजिटिव के साथ टाउ एक्स वाई, एंड सिग्मा टू कितना मिला हमको नेगेटिव के साथ टाउ एक्स वाई। तो मेरे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस किसमें कन्वर्ट हो गए, टाउ एक्स वाई एंड टाउ एक्स वाई इन नेगेटिव। तो हम ये इससे कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सिग्मा वन मेरे किसके बराबर है, माइनस ऑफ सिग्मा टू के। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ प्योर शेयर, वेर इज सिग्मा वन प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एट वन इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एट टू, तो सिग्मा वन इज इक्वल टू माइनस ऑफ सिग्मा टू। तो इससे ये कंक्लूजन निकलता, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या ही होगा, सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू इज इक्वल टू जीरो, जो शिफ्ट वन में क्वेश्चन आया था प्योर शेयर का, उसका आंसर तो ये वाला हो जाता है कि दोनों नॉर्मल स्ट्रेसेस को हम ऐड करेंगे तो हमको जीरो मिलता है। एंड जो शिफ्ट टू में प्योर शेयर से क्वेश्चन आया था उसके अंदर आपको मोर सर्कल बनाने बोला था, बना देते यार, देखो मोर सर्कल कैसा बनता है, इस चीज को यहां से मिटाओ तो हमको शिफ्ट टू के क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन समझ में आएगा। देखिए इधर से क्या बोल रहा है इसके अंदर ये चीज, ये मोर सर्कल है, मान लो ये मोर सर्कल यहीं पर ही बनेंगे हम। मोर सर्कल में क्या करते हैं, पहले सिग्मा वन की लाइन खींचते हैं, तो यहां से मैंने खींचा सिग्मा वन, यहां से लेकर मान लो यहां तक गया मेरा सिग्मा वन, यहां से मेरे को एक चीज समझ में आती कि सिग्मा टू मेरे किसके बराबर है, माइनस टाइम्स ऑफ सिग्मा वन के, तो सिग्मा टू में इतना ही खींचूंगा बट इन नेगेटिव साइड, तो मैंने सिग्मा टू भी खींच लिया इधर विच इज माइनस ऑफ सिग्मा वन, ठीक है। और मेरा टॉव एक्स वाई, तो टॉव एक्स वाई ऊपर की तरफ रहेगा जो कि वाई डायरेक्शन होता है, पर हम क्या करते हैं इसी चीज को हम डायमीटर मान लिया, तो यहां पर हमने और कोई चीज नहीं, तो यहां पर हमने इस चीज को पॉइंट सिग्मा वन एंड सिग्मा टू दोनों को हमने खींच लिया, तो यहां से अपन इसको डायमीटर मान के ये सर्कल हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। तो यहां से प्योर शेयर के केस में मेरे को ये वाला मोर सर्कल मिलता है। अगेन आई एम टेलिंग, वीडियो अपलोडेड है, आप नीचे डिटेल में इस चीज का सॉल्यूशन समझ सकते हैं और डिटेल में इस चीज का पूरा लेक्चर देख सकते हैं फॉर टू अंडरस्टैंड प्योर शेयर कंसेप्ट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपने स्क्रीन पे क्वेश्चन देख लिया होगा। क्वेश्चन वॉज सिंपल, आस्किंग फ्रॉम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, आपको एक कैंटिलीवर बीम दिया है जिसके अंदर P इज द फिक्स पॉइंट, Q इज द फ्री पॉइंट एंड एट R मिड पॉइंट पे आपको मोमेंट दिया हुआ है और कुछ नहीं, सिंपल सा आपको फ्री एंड पे डिफ्लेक्शन पूछा है। तो गाइज ये सुपरपोजिशन मेथड से होता है ये क्वेश्चन। आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स को सुपरपोजिशन मेथड आता होगा, बट द थिंग इज जिन जिनको सुपरपोजिशन मेथड के एडवांस क्वेश्चन भी देखने और सुपरपोजिशन मेथड डिटेल में देखना, जैसा कि आप जो मेरे इंजीनियरिंग हॉटस्पॉट पे पुराने सब्सक्राइबर है उनको पता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कितने डीप में उन लोगों ने समझा है। तो गाइज जैसा कि बहुत सारी क्वेरीज आ रखी हैं, सुपरपोजिशन मेथड पे भी डिटेल वीडियो सॉल्यूशन अपलोड होने वाला है विद इन अ 10 डेज। सो गाइज स्टे ट्यून्ड एंड क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन सो दैट यू विल गेट नोटिफाइड एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन दबा देना जिससे आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। एनीवे स्टार्ट करते हैं वाला क्वेश्चन, सिंपल है। देखो इस क्वेश्चन के पीछे सब कोई सिंपली डिफ्लेक्शन के फॉर्म में कर लेगा, बट मैं इस क्वेश्चन के पीछे छोटा सा एक कंसेप्ट बताना चाहता हूं आपको। देखिए क्या आप लोग इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना सकते हो? अगर आप लोग इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना सकते हो तो एक बहुत प्यारा कंसेप्ट है इसके पीछे, क्योंकि हम डिफ्लेक्शन तो बाद में पढ़ते हैं गाइस, उससे पहले हम शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पढ़ते हैं, ठीक है। उसका भी वीडियो अपलोडेड है चैनल पे, बहुत सारे वीडियो अपलोडेड है चैनल पे, ओके। तो शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पे भी वीडियो अपलोडेड है, हालांकि इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे तो देखो यहां पर तो मोमेंट लग रहा है गाइस, तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे क्लॉकवाइज मोमेंट लग रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज मेरे को रिएक्शन मोमेंट लगेगा, बिल्कुल लगेगा। अगर मेरा एंटी क्लॉकवाइज रिएक्शन मोमेंट लगेगा तो इसका मोमेंट डायग्राम कैसा बनेगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नीचे आएगा एम, एम आर इक्वल टू एम ई लिखो क्योंकि ठीक है, क्योंकि और कोई बीच में मोमेंट है नहीं, तो यहां से लेके यहां तक तो ये आ गया अपना कितना
एम, ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, और आर से लेके क्यू तक कोई मोमेंट है, इट्स माइट इट्स लाइक मोमेंट जीरो है। अगर गाइस आर से लेकर क्यू तक मेरा मोमेंट जीरो है, तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि आर से लेके क्यू मेरी जो बीम है वो बेंड ही नहीं करेगी, उसके ऊपर कोई मोमेंट नहीं आएगा, उसके ऊपर कोई मुड़ाव नहीं आएगा, इन शॉर्ट। ठीक है, इतनी बात हमको क्लियर होती है तो हम इसको डिफ्लेक्ट होते हुए भी देख लेते। ओके, इसको डिफ्लेक्ट होते हुए देख लेते, तो ध्यान से समझना इसका डिफ्लेक्शन किस तरीके से होता है। देखिए, अगर यही मेरी बीम है यहां पर, तो ये मेरी स्ट्रेट है, और गाइस इसका डिफ्लेक्शन ऐसा होगा, आर तक तो मेरा मोमेंट आ रहा है, मतलब पी से लेकर आर तक तो मुझे मोमेंट मिल रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है गाइस, कोई मोमेंट नहीं मिल रहा। इसका मतलब क्या समझ में आएगा कि जो आर से लेकर क्यू तक है, इसके बीच में अभी अपन ने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखा, तो उसके ऊपर कोई मोमेंट नहीं आ रहा है। पर आप बोलोगे सर मोमेंट नहीं आ रहा तो टेढ़ी कैसे हो गई? गाइस टेढ़ी होने पे मोमेंट का कोई रिलेशन नहीं, मोमेंट आता तो गाइस ये पूरी ये पैराबोलिक शेप है, ये पैराबोलिक है, क्योंकि यहां पर क्या हुआ, यहां पर मोमेंट आया है, दैट्स व्हाई ये यहां से मुड़ गया। बट अब ये जो आर पॉइंट नीचे होगा तो ऑब्वियसली बात है क्यू पॉइंट भी तो नीचे होगा, तो वो वाला नीचा हुआ है, उस तरीके से स्लाइड कर रहा है, बट यहां पर पी से लेके आर तक मोमेंट आया है, इसलिए बैंड हुई है। तो इसका मतलब यह समझना है कि जो इस पॉइंट पे स्लोप आएगा, जो इस पॉइंट पे स्लोप आएगा, जैसे यहां पर अपन ने स्लोप निकाला इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे स्लोप होगा, तो दोनों के स्लोप जो होंगे वो बिल्कुल इक्वल होंगे। ओके, तो यहां पर जो अपन स्लोप निकालते हैं, ये वाला ये जो स्लोप होगा इसके बिल्कुल बराबर होगा, क्योंकि इन दोनों पे जो यहां पर स्लोप बैंड तो हुआ है, बट स्लोप दोनों के सेम होंगे, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे जो स्लोप है वही फाइनल स्टेज पे होगा। इसका मतलब इतनी बात हमारी क्लियर होती है कि हमारे डेल्टा वन डेल्टा टू के बराबर है। अगर यहां पर मेरा मोमेंट होता तो यहां पर मेरा स्लोप कितना होगा, एम एल अपॉन ई आई, यही पढ़ते हो आप, बट एल क्या है, ये वाला डिस्टेंस होता है, ये फॉर्मूला आप पढ़ते हो, बट इधर मेरा ये वाला एल कितना है, एल बाय टू। इससे मेरे को ये समझ में आता है कि मेरा इस पॉइंट पर स्लोप कितना है, एम एल बाय टू, यही, और ये किसके बराबर है मेरे, थीटा टू के। बहुत ही छोटा डिफ्लेक्शन, बहुत ही छोटा एंगुलर डिफ्लेक्शन है, तो इसका मतलब ये समझ में आता है थीटा इक्वल थीटा टू है, तो टेन थीटा टू इज अप्रोक्सीमेटली थीटा टू, एंड टेन थीटा इज परपेंडिकुलर, इसको मैं एक्स मान लेता हूं, और बेस कितना है हमारा, एल बाय टू, कंसेप्ट सिखा रहे हैं पहले, तो थीटा टू इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और थीटा टू कितना है, एम एल बाय टू ई आई। इससे मेरे को x की वैल्यू कितनी मिलती है, यहां से अगर मैं l बाय टू यहां लेके जाता हूं तो मेरे को x की वैल्यू कितनी मिल गई, एम एल स्क्वायर बाय फोर ई आई, तो मेरे को यहां से x की वैल्यू मिल गई कि मेरा फाइनली डिफ्लेक्ट होने के बाद मेरा x में कितना आया, सिंपल सा केस बन गया ये, तो मेरे को यहां तक समझ में आया कंसेप्चुअली। अब हमको यह भी पता है कि अगर आर पॉइंट पर मेरे को डिफ्लेक्शन निकालना है, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट आर मुझे निकालना है, हम फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं पहले तो वो देख लेते हैं, एम एल स्क्वायर अपॉन टू ई आई, ये तो हम याद करते हैं फॉर्मूला। इधर लेंथ कितनी, फिर से एल बाय टू है, तो इस एल की जगह एल बाय टू रख दो, ओके, और जब इसको खोलेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एम एल स्क्वायर अपॉन एट ई आई, क्योंकि टू टू द फोर, फोर टू एट, ठीक है, तो मेरी यह हाइट कितनी हो गई, एम एल स्क्वायर अपॉन एट ई आई। क्या आपको फ्री एंड पे डिफ्लेक्शन पूछा, यस, आपको फ्री एंड पे डिफ्लेक्शन पूछा है, विच इज दिस हाइट, आपको ये पूछा है डेल्टा क्यू। क्या एम एल स्क्वायर अपॉन एट ई आई और एक्स एड करूंगा, बिल्कुल, तो डिफ्लेक्शन एट क्यू क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर अपॉन एट ई आई प्लस वॉट इज एक्स, एम एल स्क्वायर अपॉन फोर ई आई। क्या इन दोनों को ऐड करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, टू से टू मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा, अगर टू मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो नीचे एट बनेगा, और फाइनली मेरे को क्या निकल के आएगा, थ्री एम एल स्क्वायर अपॉन एट ई आई। सो गाइस, आई होप आपको समझ में आएगा ये सॉल्यूशन,
जिनको समझ में नहीं भी आया टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि इस पे प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन अपलोड होने वाला है कुछ ही टाइम में। सो गाइज, हियर दिस क्वेश्चन आपने फ्लूइड मैकेनिक्स से है और आपने स्क्रीन पे क्वेश्चन को देख लिया होगा। ये गिवन डेटा दिए हुए हैं, u बाई u इन्फिनिटी इक्वल टू साइन पाई बाई एफ बाई टू डेल्टा, u इन्फिनिटी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी दी हुई 0.3 मीटर पर सेकंड, बाउंड्री लेयर थिकनेस दिया 1 मीटर, डू यू बाई डू वाई वाई इक्वल टू 0 पे आपको पूछा गया। दिस क्वेश्चन आस्क फ्रॉम बाउंड्री लेयर थ्योरी। जो बाउंड्री लेयर थ्योरी पे हमारे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, यू कैन चेक आउट। यहाँ पर आई बटन पे जाके आप देख सकते हैं, नीचे नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी आप चेक कर सकते हैं। और भी बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियो अपलोडेड हैं विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। और भी आपको कोई टॉपिक पढ़ना है और आपको कोई डाउट है, आप नीचे कमेंट सेक्शन मेंशन कर सकते हैं। सो गाइज, ऐसे ही बहुत सारे वीडियोज और बहुत सारे सॉल्यूशन और बहुत सारे एक्सप्लेनेशन आपको डीप में देखने को मिलेंगे। तो प्लीज क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर इंस्टेंट नोटिफिकेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं u इक्वल टू u इन्फिनिटी साइन पाई y बाय टू डेल्टा, ओके, तो डो यू बाई डो वाई कितना हो गया, डो यू बाई डो वाई इक्वल टू u इन्फिनिटी इक्वल इंटू कॉस पाई y बाय टू डेल्टा इंटू, डिफ्रेंशिएट करते हैं तो मेरा y के साथ में मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो y तो अंदर रह जाएगा एंड पाई बाई टू डेल्टा बाहर आ जाएगा। एट y इक्वल टू जीरो बोला है तो इधर हम y को जीरो पुट कर देंगे तो cos जीरो पूरा क्या हो जाएगा, वन। तो यहां से हम देखते हैं कि dou u बाई dou y एट y इक्वल टू जीरो मुझे क्या मिला, पाई u इंफिनिटी अपॉन टू डेल्टा, विच इज हमको सारी वैल्यूज दी हुई है, u इंफिनिटी की वैल्यू 0.3 अपॉन टू इंटू डेल्टा की वैल्यू वन, तो यहां से कितना हो गया, डू यू बाई डो वाई एट वाई इक्वल टू जीरो हमको मिला 0.47, विच इज माय आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपने क्वेश्चन स्क्रीन पे देख लिया होगा, ये ऑरिफाइस मीटर का क्वेश्चन है। हाँ, इस पे कोई वीडियो अपलोडेड नहीं है, कोई लेक्चर अपलोडेड नहीं है। अगर आपको इस पे लेक्चर चाहिए और इफ़ इस पे या फ्लूइड पे कोई लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, ये गिवन डेटा दिया हुआ है और पूछिए कि स्टडी लेवल पे हाइट कितनी है, हाइट हमको पूछा गया है। चलिए पहले अपन ये देखते हैं कि और इफ आई से किस वेलोसिटी से बाहर निकलता है। सबको पता है फॉर्मूला इक्वल्स टू वी इक्वल्स टू सी डी अंडर रूट टू जी एच। ये गाइस सीडी अंडर रूट 2gh कैसे आया, इसका एक प्रॉपर डेरिवेशन होता है बाय बर्नौली इक्वेशन। हम इसको इस फॉर्मूले को निकालते हैं, जब इस पे प्रॉपर लेक्चर अपलोड होगा तब आपको समझा दिया जाएगा, आप कमेंट कर सकते हैं आपको चाहिए तो। अंडर रूट 2gh ठीक है। इस वेलोसिटी को निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, एक और टूल है हमारे पास क्यू, हमको फ्लो रेट दिया हुआ है और क्यू का फॉर्मूला था a1 a एरिया इंटू वेलोसिटी ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, q अपॉन एरिया। क्वेश्चन ये आता है q तो हमको गिवन है पर एरिया कौन सा ले, हम ये वाला एरिया ले, इस टैंक का पूरा एरिया ले क्रॉस सेक्शन की, हम ऑरिफाइस का क्रॉस सेक्शन का एरिया ले ठीक है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई डी स्क्वायर बाय फोर। इसके अंदर हम अगर ये वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम एरिया भी इसी ऑरिफाइस का लेंगे, तो एरिया हमने लिया पाई इंटू 0.1 का स्क्वायर पाई 4, ये वाला हमने एरिया लिया ओके। इस एरिया को हम डिवाइड करेंगे तो यहां से हमको वेलोसिटी क्या मिलती है, वेलोसिटी। अब एरिया किसमें आया, एरिया हमारा मीटर स्क्वायर में आया, तो हम ऑब्वियसली फ्लो रेट भी हम मीटर क्यूब पर सेकंड में रखेंगे, इस यूनिट का आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर हमने क्यू करा 0.02 अपॉन पाई इंटू 0.1 का स्क्वायर बाय 4, हमने यहां से वेलोसिटी निकाल दी मीटर पर सेकंड। इस वेलोसिटी को हमने क्या करा, यहां से हमने वेलोसिटी निकाली और इस हमको एच निकालने क्या करना है, इस फॉर्मूले को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहां से वी अपॉन सी डी का होल स्क्वायर अपॉन 2g इक्वल्स टू एच, यही करेंगे। सी डी को नीचे लाए, स्क्वायर करा, अपॉन 2g करा, हाइट निकाला। और यहां से हाइट निकालने के लिए अपन फॉर्मूला लगाएंगे,
0.02 इंटू 4, ये 4 ऊपर लेके गए, अपॉन पाई इंटू 0.1 का स्क्वायर, ठीक है, ये तो वेलोसिटी हो गया, अपॉन सी डी कितना दिया है हमको क्वेश्चन में, 0.8 इंटू 2g, 2 इंटू 9.81, ओके, और ये जो वेलोसिटी अपॉन सी डी, ठीक है, 2g यहां नहीं आएगा, ये थोड़ी सी गलती हो गई, यहां पर आएगा 2g, वेलोसिटी अपॉन सी डी इज 0.8, इसका पूरे का होल स्क्वायर करेंगे अपॉन 2 इंटू 9.81, ओके, यहां से अपना हाइट कैलकुलेट होगा और हाइट की वैल्यू आएगी 0.51 मीटर, थैंक यू। अच्छा क्वेश्चन है मामेंट का, स्कीम पे आपको क्वेश्चन मिल गया होगा, उसका सलूशन है, देखो गिवन डेटा क्या है आपको, गिवन डेटा है रिवर, रिवर है और वेस्ट वाटर है, रिवर जो है वो उसका आपको डिस्चार्ज दे रखा है, बीओडी दे रखा है, डिसोल्यूशन दे रखा है, और उसके बाद क्या हो रहा है, वेस्ट वाटर उसमें मिल रहा है, तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करते हो, आप बोलते हो कि रिवर जो है, रिवर फ्लो कर रही है, उसके साथ में क्या हुआ, वेस्ट वाटर आया है, और वेस्ट वाटर क्या हुआ इसमें, इसमें क्या किया, मर्ज हो गया, और इसके बाद ये क्या हो गया, ये एक स्ट्रीम बना रहा है, तो अब ये पूछ रहे हैं कि इसके बाद डिसॉल्वड ऑक्सीजन डिफिशिएंट कितना हुआ, अब इसे बोला इमीडिएट, इमीडिएट मतलब क्या हुआ कि जब भी अपन डिसॉल्वड ऑक्सीजन की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि डिसॉल्वड ऑक्सीजन जो है वो ये जैसे अपन बोल रहे हैं कि ये डिसॉल्वड ऑक्सीजन सैचुरेटेड है, ऑक्सीजन सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड है, और जनरली क्वेश्चन में दे रखी होती है आपसे डिसॉल्वड ऑक्सीजन जो सैचुरेट दे रखी होती है आपसे 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेंपरेचर के अकॉर्डिंग दे रखी होती है, लेकिन यहां पर आपसे एनवायरमेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग दे रखा है पहले ही कि 10 मिलीग्राम पर लीटर है तो आप क्या बोल रहे हो कि यहां पर पहले ही आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि डिसॉल्वड ऑक्सीजन सैचुरेटेड कितनी है, और आपसे क्या पूछा है कि डिसॉल्वड ऑक्सीजन डिफिशिएंट कितना हुआ है, डिफिसिट कितना हुआ है, और यहाँ पर किसी भी पॉइंट में निकालने के लिए आप क्या करते हो, यहाँ पे डिसॉल्वड ऑक्सीजन मिक्स माइनस करते हो, कहने का मतलब ये है कि डिसॉल्वड ऑक्सीजन डिफिसिट का फॉर्मूला क्या है, सीधे सीधे फॉर्मूला है डिसॉल्वड ऑक्सीजन सैचुरेटेड माइनस में डिसॉल्वड ऑक्सीजन क्या है मिक्स का क्या है, तो जहां पर सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड यहां पर एनवायरमेंट कंडीशन वाला ही लेंगे, एनवायरमेंट कंडीशन वाला क्या दे रखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दे रखा है 10 मिलीग्राम पर लीटर जो है वो क्या है इसका सैचुरेटेड है, मींस अपन को निकालना क्या है डिसॉल्वड ऑक्सीजन मिक्स का निकालना है, मिक्स का निकालने के लिए आपको ये भी दे रखा है क्वेश्चन में कि ये रिवर है वो फ्लो क्या कर रही है वेस्ट वाटर के साथ मिल रही है, और उसके बाद क्या हो रहा है कि आपको आगे पूछा है, ठीक है, तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, रिवर और बेस वाटर दोनों क्या है आपस में मिल रहे हैं, मींस इसका डिसॉल्वड ऑक्सीजन, इसका डिसॉल्वड ऑक्सीजन और इसका डिसॉल्वड ऑक्सीजन मिला के अपन को क्या निकालना है, डिसॉल्वड ऑक्सीजन मिक्स का करना है, सुनना वापस, यहां पर बीओडी का कांसेप्ट नहीं लगेगा, यहां पर बीओडी नहीं यूज करना है, क्या निकालना है अपन को, सिर्फ डिसॉल्वड ऑक्सीजन यूज करना है, डिसॉल्वड ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या बनाएंगे, डिसॉल्वड ऑक्सीजन क्या है, डिसॉल्वड ऑक्सीजन रिवर के लिए क्या है जो कि हमेशा अपन यूज करते हैं, यहां पर डिसॉल्वड ऑक्सीजन मिक्स का फॉर्मूला क्या है, सीधे-सीधे डिसॉल्वड ऑक्सीजन क्या है रिवर के लिए क्या है, मल्टीप्लाई बाय डिस्चार्ज, डिस्चार्ज रिवर का डिस्चार्ज प्लस में जो आपका वेस्ट वाटर है, वेस्ट वाटर का डिस्चार्ज कितना दे रखा है, वेस्ट वाटर डिस्चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिसॉल्वड ऑक्सीजन ऑफ वेस्ट वाटर, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपको क्या चाहिए, डिसॉल्वड ऑक्सीजन चाहिए, यहां पर डिवाइडेड में क्या आ जाएगा, डिस्चार्ज रिवर का प्लस में डिस्चार्ज वेस्ट का, फॉर्मूले में लिख दो कि आपको क्या क्या चाहिए था, डिसॉल्वड ऑक्सीजन 8 इंटू में 1000 प्लस में 100 इंटू में 2 अपॉन में 1000 प्लस में 100, ये आएगा नियरली 7.45 मिलीग्राम पर लीटर, अब सुनना करना कुछ नहीं था, डिसॉल्वड ऑक्सीजन मिक्स मिल गया, सिर्फ आपको ये क्वेश्चन ध्यान था कि निकालना क्या है, ठीक है, तो आपको डिसॉल्वड ऑक्सीजन मिक्स मिल गया, आपको डिसॉल्वड ऑक्सीजन डिफिशिएंट पूछा है, डिफिशिएंट पूछा है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ माइनस करना है एनवायरमेंट कंडीशन में जो दे रखा है 100 मिली
10 यहां पे पुट करेंगे, सीधे सीधे क्वेश्चन में आया यहां पे 10.759। क्या पूछ रहा है? यूनिट वेट, ठीक है, तो आप क्या करोगे? किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। यहां पर आप जेड वैल्यू क्या रखोगे? हो गया आपका कंप्लीट, सारे आपको वैल्यूज मिल गए। यहां पर आप सिर्फ आपको वैल्यूज पुट करनी है। आप बोल रहे हो जेड इक्वल्स टू कितना हुआ? 1.5। जिस पॉइंट पे आपको सीबेज, जिस पॉइंट पे आपको इफेक्टिव स्ट्रेस पूछा है, ठीक है, तो ये जेड इक्वल्स 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10.759 माइनस में आई, आई इक्वल्स टू 1.2 अपॉन 2.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5 इनटू में गामा डब्ल्यू। क्वेश्चन दे रखा है 10 इक्वल, आप करोगे तो आपके पास आएगा फॉर्मूला, आपके पास आंसर आएगा 8.9 38। ये आपका हो गया आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, इस पे डाउनवर्ड कंडीशन का भी क्वेश्चन बनता है, वो भी बहुत बार आ चुका है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन जियो टेक्निकल का है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन ये पूछा है कि आफ्टर 10 ईयर जो टोटल सेटलमेंट कितना होगा, मींस डेटा है कितना होगा टोटल सेटलमेंट आफ्टर 10 ईयर, ठीक है। तो क्वेश्चन सबसे पहले सुनो, क्वेश्चन क्या है? यहां पर इन पर किस स्टेटा है? ये सेंड है, सेंड क्या होता है? परवियस होता है, ठीक है। ये क्या होता है? परवियस स्टेटा होता है, मींस ये परवियस है, ये इंपल्स स्टेटा है 3 मीटर, प्ले जो है वो 10 मीटर, और ये ऊपर क्या है? ये 2 मीटर सेट है जिसका आपको क्या रखा है? यूनिट वेट दे रखा है। अब सुनना क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है क्ले के लिए कि क्ले में कितना सेटलमेंट होगा, किसकी वजह से? इस सैंड की वजह से, जो इसकी इसकी जो है सैंड 2 मीटर सैंड है, उसकी वजह से कितना सेटलमेंट होगा? कब? आफ्टर 10 ईयर टोटल सेटलमेंट कितना होगा? अब सुनना, फर्स्ट अपन क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास 3 कंडीशन होती है डेल्टा एच निकालने की, ठीक। अभी यहां पर सीसी नहीं दे रखा, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन नहीं दे रखा, आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है? एमवी। तो आपको ऐसे याद होना चाहिए कि वॉल्यूम आपको कंप्रेसिबिलिटी दे रखी है, तो आपको क्वेश्चन में कौन सा लगाना पड़ेगा? डेल्टा एच इक्वल्स टू एच एमवी डेल्टा सिग्मा बार, यही आपको फॉर्मूला होगा क्योंकि एमवी दे रखा है। आप क्या बोल रहे हो कि एच जो है वो एच क्या है? हाइट। किसकी वजह से पूछा है? किसकी वजह से पूछा है? इसकी वजह से पूछा है, ठीक है। तो अब सॉरी, इस सैंड की वजह से पूछा है, किसमें पूछा है? क्ले में पूछा है। तो हाइट किसकी आएगी? हाइट आएगी क्ले की। आपको बोला है हाइट क्ले, क्ले को चेंज कर लो मीटर, एमएम में चेंज करो, ज्यादा इजी रहेगा। 10 आपके पास क्या है? मीटर में है 10.3, आपको क्या हो गया? आपका एमएम में आ गया, ठीक है। तो ये हाइट एमएम में आ गई। एमवी, एमवी कितना रखा है? 2.2 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर किलोमीटर में, ठीक है। अभी अपन इसको क्यों नहीं चेंज कर रहे हैं? क्योंकि यहां पर क्या हो जाएगा, ये जो डेटा सिग्मा बार है वो कहां पर आ जाएगा? किलोमीटर पर मीटर क्यूब में आ जाएगा, ठीक है। एच आपने एमएम में लिख लिया, ये आपका क्या हो गया? ये आपका एमवी हो गया। एमवी डेटा सिग्मा बार, डेटा सिग्मा बार कहां से लेंगे? डेटा सिग्मा बार लेंगे सेंड की वजह से। सेंड की वजह से कितना हुआ? डेटा सिग्मा, सिग्मा निकालने के लिए आप क्या बोलोगे? गामा इंटू जेड। गामा कितना हुआ? 20 इंटू जेड कितना हुआ? डिस्टेंस 2। तो आप क्या बोलोगे? ये 40 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो समझ में आना होगा, अपने एमएम में लिखा तो पूरी वैल्यूज में आएगी, एमएम में ही आएगी। हम क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर 40 से मल्टीप्लाई करना है आपको। आपका फॉर्मूला डेल्टा एच कितना आएगा? डेल्टा एच आएगा आपका 88 एमएम में, ठीक है। अभी क्या आया है? ये डेल्टा एच आया है। क्वेश्चन में पूछा क्या है? 10 ईयर की बात पूछा है। अब सुना, आपको सेटलमेंट निकालने के लिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा टीवी। टीवी क्या होता है? टीवी इक्वल्स टू होता है फॉर्मूला सीवी। टीवी क्या होता है? टाइम फैक्टर। सीवी कोफिशिएंट ऑफ क्या बोलते हैं उसको, कंप्रेसिबिलिटी कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, और सीवी आपको क्वेश्चन में दे रखा है टी अपॉन में डी स्क्वायर। अब सुना, ये जो टी है वो आपको ईयर में ही रखना है, जो क्वेश्चन में दे रखा है आपको। सीवी, सीवी आपको क्वेश्चन में दे रखा है मीटर स्क्वायर पर ईयर में ही रखना है। डी क्या होता है? डी होता है दो टाइप से, आपसे बोलते हैं वन वे ड्रेनेज की कंडीशन, जिसमें अपन को डी इक्वल्स टू लिखना पड़ता है एच, जो कि मस्त होती है टू वे ड्रेनेज की कंडीशन। तो अब क्या बोलते हो कि टू वे ड्रेनेज कंडीशन में आप कह सकते हो डी इक्वल्स टू एच बाय टू। अब सुना, यहां पर क्ले है, यहां पर ये जो है क्ले है, मींस क्या हुआ कि इसमें हाफ जो है वो यहां पे जाएगा, मतलब 10 में से 5 यहां और 5 यहां, 5 मीटर 5 मीटर, मींस दोनों साइड परवियस लेयर है और दोनों साइड ये क्या होगा? ड्रेन करेगा। मींस कौन सी कंडीशन है? टू वे ड्रेनेज की कंडीशन है। यहां पर क्या आएगा?
नेक्स्ट डी कितना है, 10 दे रखा है, कौन सी कंडीशन है, 2a कंडीशन है, 10 बाय 2 मींस 5 का स्क्वायर, यहां से d आएगा आपका 0.036, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको याद रखना कि tv जो है, if tv is greater than 0.6 और if tv is less than 0.6, दोनों के लिए अलग फॉर्मूला है। आपके पास कौन सी कंडीशन है, tv is less than 0.6, जब tv less than 0.6 है तो क्या होता है, pi by 4 into u square, और u क्या है, सेटलमेंट, ठीक है, सेटलमेंट है। तो आप क्या करोगे, यहां से आप u निकालोगे, u क्या है, सेटलमेंट है, कितना सेटलमेंट हुआ है, कितने में कितना सेटलमेंट हुआ है, और कितने अपना क्या है, डेल्टा h, मतलब कि अपना जो डेल्टा h का कितना आ गया, 88 में पहले ही आ गया है। आप क्या करोगे, कितना सेटलमेंट u हुआ है, आप यहां से फॉर्मूले से निकालोगे 0.214, ये क्या है आपका, कितना सेटलमेंट हुआ है, ठीक है। अब आप क्या बोल रहे हो, 10 ईयर में मतलब क्या हुआ, टोटल सेटलमेंट 10 ईयर में किसमें, आपका लेयर पे, क्ले लेयर पे कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे, 88 mm मल्टीप्लाई बाय 0.214 इक्वल होगा 18.832 mm, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वे, नेक्स्ट क्वेश्चन सर्वे का है। सुना, इजी क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन में कहां पे कंफ्यूजन हुआ है वो सुनना। यहां पर दे रखा है आरएल ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सिस, क्वेश्चन सुनो पहले क्या है, आरएल ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सिस दे रखा है आपसे क्वेश्चन में। आपको ए पॉइंट और बी पॉइंट पे स्टाफ रखी है, ए पॉइंट पे इंस्ट्रूमेंट है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस रखी है 400 मीटर। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आरएल ऑफ बी बताना है, इस पॉइंट पे आरएल बताना है, आरएल ऑफ पॉइंट बी बताना है। अब स्टूडेंट से कहां पे ये गलती की है कि आरएल ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सिस दे रखा है, ना कि आरएल ऑफ ए। तो अब सुनना, आरएल ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सिस दे रखा है, मतलब आपको यहां तक का आपको क्या है, आपको पता है वो कितना है, 212.250 मीटर। अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ यहां पे क्या बोलते हैं, हाइट निकालनी है। हम बोल रहे हैं कि हाइट h है। अब h जो है वो आप हमेशा पढ़ते हो कि tan का निकालो, tan 7 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा, हाइट h अपॉन में d, हाइट h आपको निकालनी है, यहां पर क्या रखा है, 400 मीटर, मींस आपका h कितना आया, h इक्वल्स टू आया 400 tan 7 डिग्री, ठीक है। अब आपको यहां पर मिल गया, मींस क्या हुआ कि आपको ये h पता है, और वो h हुआ कितना, आपको टोटल कितनी हुई इस पॉइंट पे, हम बोल रहे हैं RL of instrument axis, instrument axis plus h, RL of instrument axis plus h minus में 4, क्या बता देगा, RL of b बता देगा। तो आप क्या बोल रहे हो, minus में 4 RL of क्या होगा, b के equal होगा, ठीक है। वापस सुन लो, RL of b निकालना था instrument axis के लिए, दे रखा था RL, RL of instrument axis प्लस में ये हाइट h, h क्या है, d10 अल्फा, माइनस में ये जो 4 मीटर आपका क्या है, जो हाइट रखी है स्टाफ की, मतलब क्या हुआ, ग्राउंड पे पहुंच गए, और ग्राउंड पे RL of b, तो RL of b को क्या हुआ, RL of instrument axis प्लस में h माइनस में 4। अब सुनना, RL of instrument axis कितनी है, 212.5250 प्लस में 400 tan 7 डिग्री माइनस में 4 इक्वल होगा 257.363 मीटर, ये होगा आरएल ऑफ बी, ये होगा आंसर। सर्विंग का क्वेश्चन है नेक्स्ट भी, यस, नोटिंग दे रखा है, साउथिंग दे रखा है, ईस्टिंग वेस्टिंग, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन आपने हमने पहले भी इंजीनियरिंग हॉटस्पॉट पे डाला हुआ है, आप आई बटन पे क्लिक करो, आपको वो वाली वीडियो मिल जाएगी, इस टाइप का ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहां पर देखा सुनना वापस कि इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट पूछा है, नॉर्थ दे रखा है, साउथ रखा है, ईस्ट रखा है, वेस्ट रखा है, कुछ भी नहीं, सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि ट्रैवर्स है पी क्यू आर एस टी, ट्रैवर्स है, ओपन ट्रैवर्स है। अब सुनना, पी यहां पर पॉइंट है,
कहीं पर भी कोई टी पॉइंट है, यहाँ पर इन्होंने ओपन ट्रैवर्स किया है, इस टी पॉइंट में इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट मांग रहा है कि इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट निकाले हैं किसी टी पॉइंट के। टी पॉइंट कहाँ है? लास्ट मींस स्टार्ट कहाँ हुआ था? स्टार्ट हुआ था ट्रैवर्स पी से, पी क्यू आर एस टी, पी पे क्या हो गया? ट्रैवर्स क्लोज हो गया। अब सुना, टी पे खत्म हुआ, अब उनको टी के इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट चाहिए, किसके बेसिस पे लोगे? टी के बेसिस पे। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अब उनको हमको एक चीज पता है कि समीशन एल इक्वल्स टू 0 होता है, समीशन डी इक्वल्स टू 0 होता है। समीशन एल क्या होता है? लैटिट्यूड। लैटिट्यूड कौन से होते हैं? नॉर्थ और साउथ लाइन। नॉर्थ और साउथ लाइन, ये क्या है? वेस्ट। हम बोल रहे हैं नॉर्थ और साउथ लाइन में जो प्रोजेक्शन होते हैं, नॉर्थ साउथ लाइन में जो प्रोजेक्शन है वो क्या हुए? लैटिट्यूड हुआ। अब नॉर्थ को लेते हैं पॉजिटिव, साउथ को लेते हैं नेगेटिव, बस कर लो। नॉर्थ को आप ले रहे हैं पॉजिटिव और साउथ को ले रहे हैं नेगेटिव। आप क्या बोल रहे हो कि 1.02 प्लस में 80.6 माइनस में 90.7 माइनस में 105.4 इक्वल्स टू आर माइनस में 5.35 5.3। अब हम क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट डिपार्चर समीशन डी। समीशन डी जीरो होता है, कब होता है? जब अपन क्या बोल रहे हैं, ईस्ट को लेते हैं पॉजिटिव और वेस्ट को लेते हैं नेगेटिव। अब क्या करना है अपन को? ईस्ट को पॉजिटिव डालना है, वेस्ट को लेना है नेगेटिव डालना है। करो इसको, हम बोल रहे हैं ईस्ट 45.5 प्लस में 55.5 माइनस में 60.1 माइनस में 70.8 इक्वल है माइनस 29.9। सॉल्व कर लेना, माइनस में आया, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, मींस क्या हुआ? ये कोई पी पॉइंट है, यहाँ पे कोई क्या होगा? आपका पी पॉइंट है। अब हमने बोला पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, पी पॉइंट जो है, ये पी पॉइंट यहाँ पर है, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितना रखा है? 400 और 200। जो फर्स्ट 400 है वो हमेशा क्या दिखाता है? लैटिट्यूड दिखाता है, ठीक है? आपको लास्ट की क्लासेस में भी डिस्कस किया हुआ है कि फर्स्ट जो है वो क्या है? लैटिट्यूड दिखाता है। सेकंड क्या दिखाता है? डिपार्चर दिखाता है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जब बात कर रहे हैं टी स्टेशन की, हम क्या बात कर रहे हैं टी स्टेशन की, तो लैटिट्यूड क्या होगा? 400 माइनस में 5.3 कोमा डिपार्चर कितना होगा? 200 माइनस में 29.9, ठीक है? निकालो निकालो, इतना कितना आएगा? ये आया 394.7, ये कितना आया? 170.1 मीटर में, दोनों मीटर में आएंगे। ये आपका क्या हो गया? इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है? Thank you so much for listening this video and stay tuned guys, because we are uploading set 1 and set 2 of civil engineering proper video solutions in detail explanation after the response sheet will upload by IIT. So guys, stay tuned, thank you and take care.